कहना स्वागत है आपका द जेके पेजेस में। आज के इतिहास में हम जानेंगे 2 फरवरी के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने आज ही के दिन इस धरती पर जन्म लिया और उन लोगों के बारे में जो इस दिन धरती को अलविदा कहकर चले गए। जानते हैं 2 फरवरी के इतिहास के बारे में। 1862 में शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने। 1913 में न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की ओपनिंग हुई। 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 2 फरवरी को की गई। 1952 में भारत ने मद्रास में पहला टेस्ट क्रिकेट जीता। 1953 में ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का गठन किया गया। 1967 में पाकिस्तान ने कश्मीर समझौते के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। 1997 में चीन तथा अमेरिका के बीच में वस्त्र व्यापार विवाद को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। 2006 में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत 2 फरवरी से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया। 2007 में इंटरनेशनल पैनल IPCC ने ग्लोबल वार्मिंग पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 संस्थाओं को 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन को अवैध घोषित किया था। 2 फरवरी साल 2013 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक NRI साइंटिस्ट को पुरस्कृत किया जिसने PRR और LASIK लेजर रिफ्रेक्टिकल टेक्निक्स के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसी के साथ जानेंगे किनका हुआ था आज ही के दिन जन्म और निधन। 1890 में अमेरिकन एक्टर चार्ल्स कोरल का जन्म हुआ। 1915 में देश के जाने माने लेखक कवि और स्तंभकार खुशवंत सिंह का जन्म हुआ। 2007 में भारतीय फिल्म व टेलीविजन अभिनेता विजय अरोरा का निधन हुआ। 2011 में भारत के सबसे प्रभावशाली डिफेंस एनालिस्ट कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम का निधन हुआ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ।